पिछले 11 वर्षों से दिल्ली पुलिस के हवलदार की हत्या में संलिप्त फरार आरोपी को नुहू और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के बाद सदर थाना तावड़ू क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस व एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ASP कुलदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 27 फरवरी की रात्रि को स्पेशल सेल NDR दिल्ली पुलिस और नुहू पुलिस की अपराध जांच शाखा नुहू वे तावड़ू की ज्वाइंट टीम ने वर्ष 2012 में दिल्ली पुलिस के हवलदार यशपाल की हत्या में वांछित अपराधी साकिर पुत्र मोहम्मद जानू निवासी शिकारपुर थाना सदर तावड़ू जिला नुहू को गुप्त सूचना के आधार पर GCS स्कूल तावड़ू के पास से मुठभेड़ के बाद काबू किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी साकिर के दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपी को इलाज के लिए शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नलड़ में दाखिल कराया गया है। ASP ने बताया कि 27 फरवरी की रात्रि को स्पेशल सेल NDR दिल्ली पुलिस की टीम तावड़ू क्षेत्र में मौजूद थी। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि वर्ष 2012 में दिल्ली पुलिस के हवलदार यशपाल की हत्या में वांछित अपराधी साकिर पुत्र मोहम्मद जानू निवासी शिकारपुर तावड़ू अपने किसी साथी से मिलने वे वारदात को अंजाम देने तावड़ू आएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम में तैनात निरीक्षक शिव कुमार ने अपराध जांच शाखा नुहू में तैनात निरीक्षक अमित कुमार व अपराध शाखा तावड़ू में तैनात निरीक्षक सुभाष से संपर्क कर एक ज्वाइंट टीम का गठन करके उनको सूचना से अवगत कराया। तत्पश्चात समय करीब 3 बजे उपरोक्त ज्वाइंट रेडिंग टीम ने GCS स्कूल तावड़ू के पास पहुंचकर आरोपी साकिर को पकड़ने के लिए नाकेबंदी शुरू की। पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी करने के कुछ देर बाद ही आरोपी साकिर बिलासपुर की तरफ से एक सिल्वर रंग की बिना नंबर प्लेट की एक अपाचे मोटरसाइकिल पर आते हुए पुलिस टीम को दिखाई दिया। जैसे ही पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई तो तभी आरोपी साकिर पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास करने लगा और पुलिस पार्टी को टारगेट करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से 4 राउंड फायर किए, जो पुलिस पार्टी द्वारा भी अपनी आत्मरक्षा में आरोपी साकिर उपरोक्त पर एक दो राउंड फायर किया, जिसमें आरोपी साकिर उपरोक्त के दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपी साकिर को पुलिस टीम द्वारा काबू कर उपचार के लिए नलड़ मेडिकल अस्पताल नुहू में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर तावड़ू में मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये जो मुठभेड़ सामने आई है, इसमें दिल्ली पुलिस की टीम ने हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की कल शाम को, और फिर एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देर रात हमें मिली, यानी कि आज सुबह सुबह की मॉर्निंग जो थी, कि एक शाकिर नाम से यहाँ का रेसिडेंट है नुहू एरिया का, और वो दिल्ली पुलिस का वांटेड एक क्रिमिनल है। उसने पहले एक हत्या की हुई है 2012 में और भी अन्य उस पर मुकदमे हैं। हत्या जो की गई थी वो दिल्ली पुलिस के एक मुलाजिम ही थे, उनकी की हुई थी। तो इस तरह से एक वांटेड अपराधी होते हुए हमने भी इसको सीरियसली लिया, और जो दिल्ली पुलिस की टीम आई थी उनके साथ मिलके पूरी जानकारी शेयर करके एक प्लान बनाया। जो एग्जैक्ट इनपुट मिली थी उसके हिसाब से हमारी जो 2 टीमें लगी थी, दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, सबने मिलके इस अपराधी को पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्योंकि अपराधी ये काफ़ी शातिर रहा है, तो इसने पुलिस के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इस पर फायरिंग की और इसको चोटें आई हैं और इसको काबू कर लिया गया है। फिलहाल ये जो है इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है नुहू में नलहड़ हॉस्पिटल के अंदर। अब तक जो सामने आ रहा है उसमें 2 गोलियां इसको लगना उजागर हुआ है, और जो मुठभेड़ हुई है वो तावड़ू और जो तावड़ू एरिया में, ये सदर तावड़ू थाना एरिया में हुई है। एक GCS स्कूल नाम की बिल्डिंग है, उसके पास में ये वारदात हो पाई। मुकदमा जो है 186, 353 और 307, ये सेक्शंस जो हैं दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से जो शिकायत मिली उसके बेस पे सदर तावड़ों में रजिस्टर किया गया। ये साल 2012 की वारदात है, और उसमें जो है वहाँ जो पुलिस स्टेशन हरिदास नगर है उसमें FIR रजिस्टर्ड है।